भाजपा प्रत्याशी पूर्व सांसद रघुराज सिंह शाक्य अपने प्रस्तावों को समेत नामांकन दाखिल कर आए बाहर। प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने का किया दावा। जनता को गुमराह करती है समाजवादी पार्टी, मैनपुरी को अपना गढ़ बताना मैनपुरी जनता का अपमान। मैं नामांकन करने नेताजी का आशीर्वाद लेकर आया हूँ, सफाई परिवार का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। मैनपुरी का एक किसान का बेटा पूरे जनपद को कभी शिकायत का मौका नहीं देगा और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ूंगा। मैनपुरी जनता जनार्दन का गढ़ है, ना कि सपा का। जनता जनार्दन बड़े बड़े किले गिराए हैं तो मैनपुरी का ये किला क्या चीज है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व मोदी जी और योगी जी का आभार व्यक्त करता हूँ जो किसान के बेटे पर यह विश्वास जताया। सभी बुजुर्गों से, सभी माताओं से, सभी लोगों करेल के बीच अभी मैंने कहा ना, मैं केवल आशीर्वाद सबसे मांग रहा हूँ, वो सबसे आशीर्वाद मांगने का काम जितने हैं मैनपुरी जनता की। मैं तो सैफई परिवार से क्यों, क्षेत्र में हर व्यक्ति से आशीर्वाद लूंगा। सैफई के जितने लोग हैं सबसे क्यों, हम वोट उनसे, हम प्रत्याशी हैं तो हमारा फर्ज बनता है सबसे आशीर्वाद लेने का काम। हमारे मतदाता है सब लोग मतदाता हैं, तो मैं सबसे आशीर्वाद लेने का काम करूँगा, सबके पास जाऊँगा, सबसे आशीर्वाद लेने का काम करूँगा, माताओं से, बुजुर्गों से, बहनों से सबसे जाने का काम। समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बताती है और डिंपल यादव को भी सामने खड़ा किया, कैसे सुनते हैं? गढ़ किसने बनाने का काम किया? जनता ने। जनता से भाई कोई अदालत नहीं होती है, बता जनता के सामने कभी ऐसी बातें कही जाती है? जनता जनार्दन सबसे बड़ी, गढ़ तो जनता का होता है, जनता, मैंने कहा सबसे बड़ी अदालत जनता है। अब जनता की अदालत जनता फैसला करने का काम करे, जनता ने बड़े बड़े किले गिराने का काम किया है और छोटे छोटे रिक्शे चालक को उनको बैठाने का काम किया, तो जनता की अदालत, हम जनता के बीच में आए, हमारा किसी से कोई मनमुटाव नहीं, न कोई किसी से भेदभाव नहीं, हम तो आए हैं सेवक के रूप में। माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, हमारे जिले के, हमारे पूरे संगठन को, पूरे नेतृत्व को जो हम पर विश्वास करने का काम किया है। ये छोटे से सिपाही को, उन लोगों ने तो अपमान जितना हो सकता करने का काम किया, वो तो जड़ हमारी खोदने का काम कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को सम्मान देने का काम किया, हमारे जैसे किसान के बेटे को सम्मान देने का काम किया। ये लड़ाई मैनपुरी जनता लड़ने का काम करेगी, मैनपुरी जनता के रघुराज साक नहीं जीतने, मैनपुर की जनता जीतने का काम करें, परिवर्तन रघुराज साक नहीं करेगी, मैनपुर की जनता करने का काम करेगी। हम लोग जनता की अदालत में आए, सबसे प्रणाम करूँगा, सबसे प्रणाम कर रहा हूँ, आपके माध्यम से भी प्रणाम कर रहा हूँ, इस किसान के बेटे को आशीर्वाद दें, ये आपकी सेवा ज़्यादा करने का काम करें। नामांकन करा के जो लड़ रही हैं माननीय डिंपल जी, शायद वो नहीं मिल पाए क्योंकि